प्रणाम ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भवदेवी। ऋषिवर, मुझे कान्हा की चिंता सताते रहती है। आए दिन वो किसी न किसी असुर से युद्ध करते रहता है। ऋषिवर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र की सुरक्षा के लिए कोई अनुष्ठान कीजिए। जानती हो देवी, यहाँ कोई और भी कृष्ण की सुरक्षा के लिए अनुष्ठान का आग्रह लेकर मेरे पास आया हुआ है। किंतु कौन है वो ऋषिवर? आइए देवी मेरे साथ। ये रही राधा, तुझे भी मेरी तरह कान्हा की चिंता हो रही है। हम दोनों मिलकर कान्हा के लिए ये अनुष्ठान करवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है श्री हरि हम पर कृपा अवश्य करेंगे। देवी, कल का मुहूर्त बहुत ही अच्छा और शुभ है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कल ही ये अनुष्ठान किया जाए। अवश्य ऋषिवर। कृष्ण के लिए इतना प्रेम, ये प्रेम तुम दोनों को बहुत भारी पड़ेगा। अखंड सौभाग्यवती भव, आयुष्मान भव बेटा। चलते हैं ऋषिवर। चलो राधा। सुर, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है। जानता हूँ आचार्य, जानता हूँ। दिव्य दृष्टि से मैं प्रबलासुर का अंत देख चुका हूँ। कार्तिकेय मेरे अनुमान से कहीं अधिक शक्तिशाली है, किंतु मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। मुझे ये कार्य स्वयं करना होगा आचार्य। भाग्य ने मुझे चुनौती दी है ना, तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अब युद्ध होगा, प्रचंड युद्ध। कैलाश पर्वत पर आक्रमण की तैयारी कीजिए आचार्य। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। यह युद्ध देवासुर महासंग्राम, महायुद्ध होगा। किंतु मैं तुम्हें स्मरण दिला देना चाहता हूं कि इस महासंग्राम में तुम्हारे अपने पुत्र तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ नहीं है। अतः हमें यह युद्ध कुछ समय के लिए डाल देना चाहिए। नहीं आचार्य, अब मैं किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। काल मुझ पर कब घात लगा दे पता नहीं। मेरे पुत्र मेरे साथ नहीं है तो क्या, मेरे पिताश्री महाराज तो मेरे साथ हैं। आचार्य, पिताश्री महाराज के निर्देशन में युद्ध की तैयारी हो। कृष्ण, एक विशालकाय सर्प ने यशोदा और राधा का अपहरण कर लिया है। क्या? हाँ, मैं संबंधों के लिए ही इस युद्ध को टाल रहा था नागदेवी का ध्रुव, किंतु तुमने मेरे संबंधों को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस किया है। अब ये युद्ध संबंधों के लिए ही होगा। तुम जहां भी हो मैं आ रहा हूँ। ये है उस कृष्ण की माता और उसकी प्रिय सखी राधा। ये सब हमारे बंदी हैं। कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों लाए हो? तुमसे हमारी सिर्फ एक ही शत्रुता है,
कि तुम उस कुटिल कृष्ण की माता हो। हमने तुम्हारा अपहरण इसलिए किया है कि वो कृष्ण स्वयं आकर हमारे समक्ष आत्मसमर्पण कर दे। किंतु क्यों? तुम मेरे पुत्र के पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि वो मेरे पुत्र का वध करना चाहता है। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इससे पहले मैं उस कृष्ण का ही अंत कर दूंगी। नहीं, एक माता होकर मेरे बालक को मारने का विचार अपने मन में ला भी कैसे सकती हो? इसके सिवा अन्य कोई मार्ग भी नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं इस विषय में अपने पुत्र से बात करूंगी। देखिए, मेरा पुत्र अकारण किसी को कष्ट नहीं देता, फिर वो आपके पुत्र को क्यों मारेगा? अवश्य आपको कोई भ्रम हुआ है। ये मेरा भ्रम नहीं, देवों की आकाशवाणी है कि मेरे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे पुत्र कृष्ण के हाथों होगी। और ये विधि का विधान मुझे स्वीकार नहीं। बजरंग की जय। महाराज बजरंग की जय। आज हमें न केवल कार्तिकेय का अंत करना है, अपितु कैलाश पर्वत पर अपनी ध्वजा लगानी है। यदि हमने कैलाश पर्वत को जीत लिया तो ब्रह्मांड पर विजय का हमारा स्वप्न पूरा होगा। तारकासुर महाराज की जय। 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 रणिपाद पिताश्री महाराज, विजय भवा पुत्र। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। तारकासुर की जय। आक्रमण। कान्हा, अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। कान्हा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। यही सोच रहे हो ना कि मुझे दुख होगा, मुझे क्या कहोगे? किंतु एक बार तुमने ही मुझे समझाया था कि धर्म के लिए हमें सुख दुख लाभ हानि को भूल जाना होता है। यही हमारे इस अवतार का लक्ष्य है ना? ठीक है, आज से तुम्हें मेरे कक्ष में मेरे साथ ही सोना होगा और रहना होगा। नहीं माता, मैं अपने कक्ष में सो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। देवी पार्वती, इस प्रकार अति चिंतित होकर आप कार्तिकेय का भला नहीं कर रही हैं। समस्याओं से कार्तिकेय को आप जितना दूर रखेंगी, समस्या उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस प्रकार कब तक आप कार्तिकेय का बचाव कर सकती हैं देवी? हमें हमारे पुत्र को निडर बनाना है। नारायण नारायण। तारकासुर कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने हेतु प्रस्थान कर चुका है, अब यह युद्ध होना निश्चित है। हे देवी पार्वती, अब देवताओं का जीवन आपके हाथों में है। देवी, आप जगत माता हैं। अपने असंख्य पुत्रों के जीवन की रक्षा के लिए आपको अपने एक पुत्र को युद्ध में भेजना ही होगा। यही समय की आवश्यकता है देवी। कल कहीं आपके पुत्र मोह के कारण सृष्टि का अंत हो गया तो क्या होगा देवी? नहीं पिताश्री, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। माता, मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी भुजाएं तारकासुर का अंत करने के लिए व्यग्र हो रही हैं।
मैं आपको वचन देता हूँ, जगत जननी पार्वती का पुत्र ये कार्तिकेय तारकासुर का अंत करके अपनी माता के चरणों में शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। मुझे आज्ञा दीजिए माते, मुझे मेरा लक्ष्य पुकार रहा है। मैं आपके आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ माते। तुम्हारे बिना ये जीवन अधूरा है पुत्र। यदि मैं तारकासुर से विजयी हुआ, फिर भी जब तक मैं आपके पास नहीं लौटूंगा मेरा लक्ष्य अधूरा ही होगा। यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है तो जाओ तारकासुर का संहार कर दो। तुम्हारी माता तुम्हें आज्ञा देती है, जाओ जाकर अपने लक्ष्य को साधो। कुमार कार्तिकेय को मैं देव सेना का सेनापति घोषित करते हुए देवासुर संग्राम हेतु प्रशस्त करता हूं। कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कुमार कार्तिकेय की जय! कैलाश पर्वत के साथ साथ अब देवों का अभिमान भी मेरी असुर सेना खंड खंड कर देगी। युद्ध आरंभ होने वाला है, चलो कुमार कार्तिकेय, इस रणभूमि को तुम्हारे शौर्य और पराक्रम के दर्शन की प्रतीक्षा है। सेनापति हो, कैलाश पर्वत और देवलोक में योद्धाओं की इतनी कमी थी जो तुम जैसे नन्हे बालक को सेनापति बनाकर भेज दिया। अहंकारी तारकासुर, युद्ध के विषय में तुम इतना तो जानते ही होगे, योग्यता आयु से नहीं पराक्रम से मापी जाती है। युद्ध में किसी को दुर्बल नहीं समझना चाहिए तारकासुर। मैं नहीं जानता था कि देव तुम्हारी ओट में खड़े होकर ये युद्ध लड़ेंगे और तुम्हें मेरे समक्ष इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देंगे। देवता तुम्हारी बलि देने को तैयार हैं और मैं तुम्हारी बलि लेने को। तुम मृत्यु के समक्ष खड़े हो बालक। कभी कभी हमारी कर्तव्य विमूढ़ता ही हमारे नाश का कारण बनती है वासुकी। तुम अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करके अपनी माँ के जीवन को दांव पर लगा रहे हो वासुकी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारा कुछ ना करना ही मेरी चिंता का विषय है वासुकी।
हो सकता है कृष्णा ने तुम्हें आश्वासन दिया हो कि वो तुम्हारी माता और भ्राता को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा, किंतु अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कृष्णा अपनी माता की सहायता अवश्य करेगा और तब तुम्हारी माता और भ्राता को कोई नहीं बचा पाएगा। किंतु पहला अधर्म तो माता कद्रू ने ही किया है, क्यों उन्होंने कृष्ण की माता का हरण किया? तुम्हारे भ्राता के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, इसीलिए कृष्ण का वो अंत करना चाहती। कद्रू ने कुछ भी अनुचित नहीं किया, अपने मातृ धर्म का निर्वहन कर रही है वो। किंतु तुम अपने पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे। नहीं नहीं आचार्य, मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। जगत की दृष्टि में भले ही तुम शिव भक्त कहलाओ, परंतु स्वयं की दृष्टि में तुम अपने भ्राता और माता के मृत्यु के उत्तरदायी रहोगे और संपूर्ण जीवन तुम्हें इस ग्लानी का बोझ लेके घूमना होगा। देवी, अपने पुत्र का शौर्य देखिए, किस प्रकार वो अपने शत्रु के प्रहार का उत्तर दे रहा है। देवी, हमारा पुत्र अवश्य विजयी होगा। आपकी बात सत्य हो महादेव। रुकिए श्री कृष्ण, वासुकी आप यहाँ? हे श्री कृष्ण, आप मेरी माता को क्षमा कर दीजिए, उनके स्थान पर मेरे प्राण हर लीजिए, किंतु मैं माता कद्रू को मरने नहीं दे सकता और ना ही आपसे संघर्ष करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे मारकर मेरी इस दुविधा का अंत कर दीजिए, जिससे मैं इस किसी भी क्षण का साक्षी ना बन सकूं, जहां विवश होकर मैं आपके और माता कद्रू के युद्ध को देखूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं नागदेव वासुकी? मैं समझ सकता हूं कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, किंतु महादेव की भांति आपका जीवन भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। आपका मातृ प्रेम मेरे मन को दृढ़ित कर रहा है, किंतु मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता। सब नहीं बचोगे काना।